नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। तो राजा भैया की जो पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, अब उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, आज की खबर देखिए बड़ी ये है कि राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, अब आने वाले हैं चुनाव नगर निगम के और 2024 में लोकसभा के चुनाव। अब यहाँ पे क्या किया है कि इस वक्त राजा भैया है लखनऊ में। अब लखनऊ में अपनी कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई थी उसमें राजा भैया ने साफ साफ भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जो अपनी पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उसको बढ़ाने का कार्य जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से बोला है कि आप हमारी जो पार्टी है उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो विचार हैं और जो वो करना चाहते हैं लोगों के लिए, जो अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी देखिए कार्यकारिणी की बैठक राजा भैया ने आज बिठाई थी। और यहाँ पे लखनऊ में जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और इसमें साफ साफ जो भाजपा है उसको घेरने का काम राजा भैया ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि राजा भैया चाहते हैं कि उनके जो पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उनकी सीटें नगर निगम में भी आए और 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी राजा भैया बहुमत से जीते यहाँ पे। क्योंकि देखिए कि अब राजा भैया की खुद की पार्टी है, पहले की बात करें तो देखिए 2017 से पहले वो अपनी पार्टी में किसी भी पार्टी में नहीं थे, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतते थे हमेशा से कुंडा से ही। और अब देखिए कि उन्होंने अपनी पार्टी गठन कर लिया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से और यहाँ पे देखिए कि उनकी जो पार्टी है वो अलग पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार कर रही है अपना। और इसलिए देखिए कि यहाँ पे लखनऊ में बैठे बैठे उन्होंने अपने कार्यकारिणी की जो मीटिंग बुलाई थी इसमें काफी बड़े बड़े नेता शामिल होते जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के, जो कि उनकी पार्टी से टिकट से, जो राजा भैया की पार्टी की टिकट से देखिए चुनाव लड़ेंगे नगर निगम में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। अब देखना ये होगा कि राजा भैया किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी की जो पूरी एक नीति है वो साफ कर दी है और यहाँ पे बोला है अपने नेताओं को, देखिए ज्यादा से ज्यादा गांवों में जाइए, अपनी पार्टी यानी कि राजा भैया की जो पार्टी है उसका जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाइए, गरीब लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि राजा भैया उनके लिए क्या करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।